नमस्ते। वो एक एक्टर है, है ना? पोर्तुगीज लैंग्वेज है। मैं घंटा नहीं पता कि हमें क्या करना है। ब्रो ये हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम आए कुतुब मीनार में। तो मैंने आने का भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि काफी झंझट थे, क्योंकि हमारे सर एक फॉरनर ट्रैवल कर रहे, जो बात कर रहा था ना मैं कि हमारे रूम में एक फॉरनर है, ये है श्रेयस। कैसे रहा तेरा झंझट? था बहुत अच्छा था। अच्छा तो हमने काफी इंग्लिश सुधार ली अपनी यहाँ पे। मैंने भाई बहुत प्रॉब्लम है, हम 4 बजे से निकले हुए हैं, कुतुब मीनार पहुँच रहे हैं। हम कितने हो गए? 6:10 के आसपास हो रहे हैं। सामने कुतुब मीनार है। तो गाइस हम अंदर तो आ चुके हैं और कुतुब मीनार को जैसे कि आपको दिखाया था तो आते बहुत भसड़ हुई, जैसे कि कैसे बताऊं, हमें मतलब बताया था वीडियो में आपको कि हमारे साथ एक टूरिस्ट मतलब जो है ये ब्राजील के हैं, ब्राजील के। तो हमें ना उनकी भाषा समझ आ रही है, बस टाइपिंग समझाना पड़ रहा है उनको। ज्यादा इंग्लिश नहीं आ रही है, हमें भी ज्यादा इंग्लिश तो आती नहीं है। ऐसे श्रेयस को भी थोड़ा बहुत पता है, मेरे को भी पता है। श्रेयस विशाल भी पिछले समर्थन दे रहा है अपना थोड़ा। ये बस अजम्पशन लगा रहा है कि हाँ ये बोल रहे होंगे। ये मैं तुक्का तुक्का पकड़ रहा हूँ, ये बोल रहा होगा। इंग्लिश तो उनको समझ नहीं आ रही है। स्टार्ट किया था पर बहुत सही। और पता है वो कौन है? वो एक एक्टर है, पता है आपको? मेरे को नहीं पता। थिएटर वाले एक्टर तो एक्टर होता भाई, ये एक्टर है कि प्रोड्यूसर है? एक्टर है भाई। चल भाई एक्टर होंगे, मेरे को पता। उन्होंने अपनी वो दिखाई एक्टिंग में। दिखा देता हूँ कौन है, क्या बोलूँ अंग्रेजी में, नाम नहीं याद आ रहा। नाम ही नहीं याद मेरे को ऐसा, मतलब नाम ही नहीं याद है। कुतुब मीनार आ गया, आ गया कि पहली आ रखे थे, मतलब आ तो रखे थे लेकिन चलते चलते हम उसके और क्लोज आ गए। इसका भी सच्ची बहुत अच्छा है नाइट का, दिन का तो हम आ नहीं पाए क्योंकि लेट हो गए। ऐसे दिन में ज्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि पूरा क्लियर दिखता है। मैं आया था 2000 कब आया था 2018 में आया था मैं भी शायद आया दिन में आया था तब ठीक ठाक लगा, मुझे याद नहीं वैसे मैं भी आया था। अभी रात का पहली बार देख रहा हूँ, बहुत तगड़ा लग रहा है देखने में। लाइटिंग अच्छी है, वर्थ इट है आना। टॉक करो, टॉक टॉक क्या टॉक करो, बात करो, बात भी करनी है। ये हैं जो हमारे साथ आए थे, कच्चे हुए हैं पर कच्चे इनको, इनको कह रहे भाई सर्दी नहीं लग रही, इनको ठंड नहीं लग रही। वहाँ भी जा रहा, वो पड़ती है ना बर्फ वगैरह, बर्फ। हाँ बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ती है ब्राजील, पड़ती है पड़ती है भाई। ये देख लो टिकटॉकर तेरी प्यारी, प्लेन जा रहा है साइड। गाइस भीड़ तो है, क्या है? ब्यूटीफुल, कैसा है ये? अच्छा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अमेजिंग। कैसा लगा? मैं आ चुका हूँ तो गुस्सा लगा होगा, एक्सपीरियंस जैसे पहले और क्या होगा, चेंज थोड़ी ना हुआ होगा। बल्कि मेरे को छोटा लग रहा है, पहले आया था मैं छोटा था इसलिए बड़ा लगता था। अच्छा। और तो छोटा था, तू बड़ा हो गया ना 100 फुट का। हमने कुतुब मीनार तो घूम लिया है। ये तो भैया अभी फोटो खिंचवा रहे हैं, स्टोरी डालने के लिए कह रहे हैं ये वाले ठीक है वो वाले ठीक है। हम दोनों भाई को तो पता नहीं चल रहा कि क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या बोलूं। हेलो हम दोनों भाई भाई बोलूं, भाई कब से हो गया हमें तो पता ही नहीं चल रहा भाई कि मतलब करना क्या है। अभी हम दोनों ही वैसे इधर उधर देख ही जा रहे हैं, है ना? देखा मेरे को ना, मेरे को इनकी भाषा पता है ना इनको मेरी भाषा पता है। हां क्यों कर रहे हैं, हां कर रहे हैं। यहाँ पे अगर दिन में आते तो फायदा होता है, मतलब रात को बढ़िया है देखने लायक, पर अगर फोटो वोटो खींचनी हो ना तो दिन में बढ़िया रहता है। हाँ दिन में बढ़िया, अगर सिर्फ कुतुब मीनार की फोटो खींचनी हो तो रात को ही आओ। लेकिन ठीक है वन फोटो नो, मेरे को ना इसको समझ आ रही थी बात भाई, मैं तो ऐसे ही बस कुछ भी बोलता रहता था इसको। जमीन भाई को हाँ में हाँ मिलवा रहे हैं। वैसे हमने नाम भी नहीं पूछा ना, नाम पूछा है, थोड़ा अजीब सा नाम है तो पर याद नहीं आ रहा, नाम ही थोड़ा अजीब है, हम कुछ कर नहीं सकते। क्या पूछा? नहीं ये फोटो दिखा देते हैं, जैसे चांद है बगल में और ये फोटो इन्होंने क्लिक करी है। चांद हम गए ना वो, हाँ वो भी है नहीं। ब्यूटीफुल डाउन, क्या पर डाउन है ही नहीं, कहाँ चांद नहीं दिख रहा पे कहीं। सो चांद वी हैव 7 o'clock, वी हैव टू गो टू हॉस्टल, वी हैव 7 o'clock, क्या बोली जा रहा है? हमारे पास 7 o'clock है, हमारे पास 7 o'clock है, क्या बोलना चाह रहे हो आप? वी डोंट हैव इनफ टाइम, टूरिस्ट गाइड हमारे आगे चल रहे हैं, हमें घंटा नहीं पता कि हमें क्या करना है। तो ये कर लो पहले, काफी पुराना है वैसे, है ना? पुराना ही है वैसे, हमने क्यों बोला नहीं है? कल ही तो बनाया तूने। बस घंटे तक वो एनिमेट एनिमेट ही करी जाएगा। नहीं यार कभी तो नहीं देख रही शायद, आई नो मैथ्रो ओके ओके
वैसे देखा जाए तो कुतुब मीनार भी हमने घूम लिया, तीन चार जगह हमने घूम लिया, वो भी दो दिन में। तो ज्यादा कुछ हमने घूमा नहीं है ना भाई, अभी ज्यादा कुछ हमने घूमा यहाँ पे देखा जाए तो वैसे कुछ भी नहीं है। और कैमरा एंगल थोड़ा ऊपर रखा, ऊपर ही है यहाँ पे ना, वैसे कुछ भी नहीं है, सब ऐसी मतलब की नॉर्मल टाइप का है, लेकिन फर्स्ट टाइम थोड़ी बहुत फोटो खींचाओ निकलो। टोटल टेम्पल घूमा वो भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है। नमस्ते, ये विशाल कह रहा है, विशाल के कहने भी कर रहे हैं एक्चुअली। ये ना विशाल बोल रहा था नमस्ते, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया, लैंग्वेज विच लैंग्वेज रिज्यूम ओब्रिगादो नमस्ते को ओब्रिगादो बोलते हैं, पुर्तुगीज पुर्तुगीज लैंग्वेज है। कैसा लगा आप सबको घूम के, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस प्लेस? अमेजिंग अमेजिंग यू, इट्स माय सेकंड टाइम, इट्स नॉट अमेजिंग बट नॉर्मल। देखो कैसा लगा बताना। इट वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू, या आल्सो यू वांट टू गो टू राजीव चौक ना विद मेट्रो विद द हेल्प ऑफ मेट्रो। ओके ओके, तो बहन चोद में काफी पुरानी मॉन्यूमेंट्स है ना, उसको रिपेयर करते रहते हैं लोग ताकि पर... वो खराब ना हो। हाँ। और बहुत सालों तक चलता रहे ऐसे ही, साफ पता लग रहा है इसमें तो कि पॉलिश कर रखी है इसमें, इसलिए ऐसा है। जैसे उस बारे में नहीं, असली में ऐसा होता है, इससे भी यार बुरा हालत होता है इसका, पर असली में ऐसा होता है। तो जो ये फॉरनर है ये परसों जा रहे थे आगरा, इन्होंने भी आगरा ही जाना, हमने भी आगरा, कल जा रहे थे सॉरी, ये फॉरनर कल आगरा जा रहे थे, हमने भी आगरा जाना है पर परसों, तो हमारी बातचीत होगी तो उन्होंने सोचा कि कल की जगह हमारे साथ परसों चलते हैं ट्रेन में। हमें तो है कि टिकट बुक हमसे हमें ढंग से करनी नहीं आती, मतलब ऑनलाइन जब भी करते हैं वैसे कुछ ना कुछ हो जाता है, इस बार तो तुक्के से कर दी, पता नहीं कैसी हुई हमें खुद नहीं पता होगी। बस हमने इनको बोला हमसे तो होती नहीं है, आप हमारे भरोसे मत रहो। इन्होंने कहा चलो मैं होटल वाले से बुक करा लूंगा, हमने कहा हाँ वो सही रहेगा, तो हमने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। ये मतलब एक तरह काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए, तो उन्होंने हमारी टिकट वो चेक करी, मतलब ऐसी देखी कि कैसी कैसी टिकट है हमारी ट्रेन की, उन्होंने कहा मेरा एक्सपीरियंस लेना ट्रेन का भी, तो उसमें एसी विशाल की सारा हंसने लग गए, ये सारा का हो, ये कैसे सारा का यू आर चाइल्ड लिखा बोला है चाइल्ड यू आर नॉट अलाउड। ओ भाई हमारा गिम्बल का वो भी तो रहता है। हाँ अभी जाना है, इधर थोड़ी है उस साइड से जाना है ना। जब हम आए थे ना गिम्बल लेके आए थे, मैंने सोचा गिम्बल से अच्छी वीडियो बनाऊंगा, अभी तक हमने गिम्बल यूज ही नहीं किया भाई, जब भी जहाँ भी लेके जा रहे भूल रहे हैं या फिर बना नहीं पा रहे। यहाँ पे लेके आए थे देखो गिम्बल लेके आए हम, उन्होंने गिम्बल ही रख लिया हमारा, बस इसमें गिम्बल मेन पार्ट पड़ा उसका, बाकी उन्होंने वही रख लिया, फिर फायदा क्या उसका, अब उसको लेने जाना है। इनके अलग ही नशे हैं कुतुब मीनार वालों के। विशाल ने तो इन अंकल को अपना मामा बना रखा है, बोलता मामा क्या कर रहा है, मामा क्या कर रहा है। और इनकी मामा ही बोल रहा हूं। और इनकी एज 39 है, 39 है भाई, मैं नाम तो जानता नहीं। यू कैन ट्रैवल विद मी मेट्रो, नो 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 इज नेसेसरी, मेट्रो जाना है, नहीं साकेत में नहीं जाना, हमने नहीं जाना मेट्रो, साकेत मेट्रो जाओगे। अच्छा ऑटो से? यस ब्रो, ये पहले कितने लगे थे? 40 सबके लगे थे। चलो हाँ ठीक है फिर छोड़ दो। तो अभी हम अपने हॉस्टल वापस आ गए और हॉस्टल के सामने गोलगप्पे वाला है, तो ट्राई करते हैं पहली बार। सेव प्यूरी भी है, कितने की प्लेट है? हाफ होती है, क्या हाफ 40 की है? और कौन कौन सी सेव पूरी और भाई सब बहुत सही गोलगप्पे और क्या खाया हमने इससे? सेव पूरी और चाट पापड़ी, बहुत सही से बनाया, 120 का खर्चा कर दिया। ये है गुलगुले और ये हमें दिए हैं एक मेरी मम्मी की फ्रेंड है जो केरला की है, वो दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने दिया और हमें कहा कि टेस्ट करना कैसा है। वैसे इनको पता नहीं कुछ और कहते हैं वो, शायद हम कहते हैं गुलगुले और जैसे हमारे घर में बनता है वैसा है, टेस्टी। वैसे तो श्रेयस को बहुत पसंद आए, ये वैसे दोपहर में देके चले गए थे, हमने दो तीन खाए और हम निकले कुतुब मीनार। और ये हमने उनको भी ऑफर किए थे जो ब्राजील के हैं, पर वो उन्होंने इसमें उन्होंने पता नहीं कुछ बोला, मैं समझ नहीं आया, उन्होंने लिख के बताया कि वो उन्होंने लिख के बताया कि वो ओली चीजें नहीं खाते, तो हमने कहा कोई चक्कर नहीं मत खाओ। हमने कुछ जोमेटो से बाहर से मंगाया और ना इसको भूख लग रही थी ना इसको, मेरे को लग रही थी मैंने तो खाना था, तो मैंने तो जोमेटो से मंगा लिया अपना, अभी अपना देखेंगे। और दूसरी बात ये है हॉस्टल वाले ना अपने कमरे में नहीं खाने देते कुछ भी, क्या पता कपड़े वगैरह गंदे हो इनके। हाँ वो भी है, अपने ऊपर होता है ना, 10 मिनट वेट करते हैं, अगर कोई आ गया तो ठीक है तो कॉमन एरिया में खा लेंगे, नहीं आया तो 10 मिनट बाद यहीं खा लूंगा मैं। कॉमन एरिया में खा लेते हैं, यहीं खा लो ना, स्मोकिंग कॉमन एरिया में से है नहीं ना कोई, स्मोकिंग एरिया में ठंड ठंडा है, अरे ठंड में मजा आएगा, मजा आता है। तो स्मोकिंग एरिया दिखाते हैं यहाँ से, बैठा कोई, अरे दो लड़के दारू पी रहे हैं, दो लड़के दारू पी रहे हैं, तो छोड़ो खाने खाने जा रहे हो। हाँ भाई कॉमन एरिया में बैठ के खाते हैं, वैसे भी कोई आया नहीं, वो लड़कियां चलेगी, कौन
जो बैठी थी। अच्छा वो जो टूरिस्ट है। हाँ। वो तो के ब्लॉगर निकले, ब्लॉगर थे, गोप्रो वगैरह सब कुछ उनपे। हाँ। वीडियो बनाते हुए जा रहे गाइस, अभी हम जा रहे हैं।